क्योंकि गणेश जी के भोग से ही सारे काम पूरे होते हैं, तो मेरे को लगा कि मुझे गणेश जी को भोग लगाना चाहिए, तभी मैं आगे और ज्यादा ग्रो कर पाऊंगी। और फ्रेंड्स, आप लोग मेरा पूरा सपोर्ट करिएगा, मुझे काफी ज्यादा, मेरे जो चैनल पर मैं वीडियोस देखिएगा, आप कभी मेरे वीडियोस डालती हूँ ट्रैवल के, फूड के, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको नया सा नया अच्छे से अच्छा वीडियो दिखाऊँ। तो प्लीज वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बिग न्यूज लेकर आई हूँ। मेरा चैनल फाइनली मोनेटाइज हो गया है, जिसका मुझे काफी टाइम से इंतजार था। मैंने मोनेटाइजेशन के लिए चैनल को भेजा था और फाइनली यूट्यूब ने मेरा चैनल को एक्सेप्ट कर लिया है और अब मैं यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हूँ। अक्सर लोगों के क्या होता है, चैनल मोनेटाइज नहीं होते, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपने वीडियोस ना डाल के दूसरों के वीडियोस इसमें पोस्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप दूसरों के वीडियोस डाल सकते हैं, लेकिन कुछ ही इसमें टाइम पीरियड्स आप रखिएगा, 3 से 4 सेकंड्स। अगर आप उसमें खुद का कंटेंट रखेंगे तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा, अदरवाइज यूट्यूब आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने चैनल पे और आपको दिखाती हूँ कि देखिए मेरा कैसे मोनेटाइज हुआ है। देखिए मैं आपको लेके चलती हूँ चैनल पे। मेरा चैनल है ट्रैवल एंड फूड विद हीना फिश। मैं इसमें ट्रैवलिंग और फूड दोनों के वीडियोस पोस्ट करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मेरा है ये चैनल। मेरे 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया था, तो उसके बाद मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करा था। और यहाँ पे देखिए YouTube का मेरे पास मैसेज आया है मेरे चैनल पे, वेलकम टू YouTube पार्टनर, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन एक्सेप्टेड इन टू यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। और इसमें अगर आप जाएंगे लर्न मोर में, तो यहाँ पे देखिए चैनल मोनेटाइज हो गया है मेरा पूरा फाइनली। और अभी मेरे को इसके काफी सारे टूल्स नहीं पता है कि मुझे किस पे जाके क्या करना है, अभी मैं इसमें कैसे अर्न करूंगी, तो धीरे धीरे मैं ये प्रोसेस देखूंगी तो मुझे फाइनली पता चल जाएगा कि कैसे मुझे अर्निंग करनी है कैसे नहीं करनी है। तो पर फाइनली मेरा मोनेटाइज हो गया, तो फ्रेंड मुझे आगे अर्निंग जरूर मिलेगी। देखिए इसमें वीडियो एड्स वगैरह का भी ऑप्शन है, आप एड वगैरह भी चूज कर सकते हैं आपकी कहाँ पर एड चलनी चाहिए। आप चैट वगैरह करेंगे तो स्टिकर्स वगैरह का भी इन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि लोग स्टिकर से भी आपको पेंट कर सकते हैं, तो कुछ इस टाइप से इसका क्राइटेरिया है। तो आगे अभी देखना होगा कि मुझे और क्या क्या इसमें ऑप्शंस मेरे को मिलेंगे। फर्स्ट जब मैंने अपना चैनल ओपन किया था तो मैंने ओपन किया था ट्रैवल विद हीना फिश। मैं सिर्फ ट्रैवलिंग की वीडियो ही पोस्ट करती थी, लेकिन क्या था फ्रेंड, देखिए मेरे छोटे बच्चे थे तो मैं ज्यादा ट्रैवलिंग का नहीं जा सकती थी, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी होते हैं, मेरा अपना खुद का वर्क भी है, तो मैं बिजी रहती थी थोड़ा। तो फिर मुझे लगा कि अब मैं ट्रैवलिंग की तो मैं कभी कभी पोस्ट कर सकती हूँ, इसलिए मैंने उसको ट्रैवल एंड फूड कर दिया। स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, मुझे एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, मुझे बिल्कुल ये नहीं पता था कि स्टोरीज कैसे बनती हैं। मैं शुरू में मोबाइल से बनाती थी, जैसे कहीं भी मैं गई तो फोन लेती थी और उससे ही वीडियोस वगैरह बना के लेकर आई, थोड़ा एडिटिंग करती थी, थोड़ा मैंने यूट्यूब से भी सीखा कि हाउ टू एडिट इन फिल्मोरा या काइन मास्टर, काफी सारे एडिटिंग टूल्स वगैरह है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर है, आप उससे कहीं से भी कर सकते हो। तो धीरे धीरे मैंने सारी चीजें सीखी, एडिटिंग करना, बाहर जाना शूट पे मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता था, लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ तक बिल्कुल फाइनली पहुंच पाई। और मेरा जब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉचर मेरे पूरे हुए, तो मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करा और मेरा सारा कंटेंट खुद का ही था, मैं बाहर के वीडियोस बिल्कुल भी पोस्ट नहीं करती थी। तो अगर आप लोग भी अपना ही कंटेंट डालेंगे तो आपका जरूर ये ड्रीम्स पूरा होगा। और जब मेरे को ये था, मैंने कहा मेरा जब मोनेटाइज हो जाएगा फाइनली चैनल, तो मैंने भगवान से प्रे करी थी कि भगवान प्लीज मेरे इसमें कोई रीयूज कंटेंट वगैरह ना आए जिससे मेरा चैनल मोनेटाइज ना हो। तो अगर मेरा फाइनली मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी। और यहाँ पर देखिए फाइनली मैं मिठाई का डब्बा लेकर आई हूँ और सामने मेरे हैं गणेश जी, तो आइए इनको लगाते हैं भोग। और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बालूशाही लेकर आई हूँ। वैसे तो गणेश जी को लड्डू का भोग लगता है, लेकिन मुझे यहाँ पे बालूशाही मिली तो मैं बालूशाही लेकर आई हूँ। और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ गणेश जी, क्योंकि गणेश जी के भोग से ही सारे काम पूरे होते हैं, तो मेरे को लगा कि मुझे गणेश जी को भोग लगाना चाहिए, तभी मैं आगे और ज्यादा ग्रो कर पाऊंगी। और फ्रेंड्स आप लोग मेरा पूरा सपोर्ट करिएगा, मुझे काफी ज्यादा, मेरे जो चैनल पे मैं वीडियोस देखिएगा, आप कभी मेरे वीडियोस डालती हूँ ट्रैवल के, फूड के, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको नया सा नया अच्छे से अच्छा वीडियो दिखाऊँ। तो प्लीज आगे भी मुझे इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिएगा।